Now exercise 11.3, question number 5, up to question number 4, we have done yesterday. Now question number 5, write the constant term. Constant term, मैंने आपको बताया थी, constant क्या होता है? Numerical value, एक fixed value. Constant, लिखनी है हमें constant term. Constant term क्या होगी? जो एक fixed value है, जो एक number है. Here is 9, so 9 is the constant term. Constant टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. कॉन्स्टेंट टर्म इज 9. वन मोर पार्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, कॉन्स्टेंट टर्म लिखनी है. कॉन्स्टेंट टर्म वो टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता. कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 1/5, इसका साइन देखो माइनस है, सो -1/5. लेफ्ट पार्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई लाइफ टर्म्स. लाइफ टर्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड पावर्स सेम होनी चाहिए. अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ -2y² है, यहाँ जेड स्क्वायर है. तीनों ही टर्म में अलग अलग आ गए वेरिएबल, तो ये तीनों तो लाइफ नहीं है. 3x वेरिएबल तो x है लेकिन पावर स्क्वायर नहीं है, पावर डिफरेंस है, तो दीज आर ऑल्सो नॉट लाइफ. अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर. मैंने आपसे कहा था हमने वेरिएबल को देखना है, रियल कोफिशिएंट को नहीं देखना. सो लाइफ टर्म्स कौन कौन सी हैं यहाँ? लाइफ टर्म्स आर कौन कौन सी? एक तो ये एक्स स्क्वायर और दूसरी 1/2x². इनका जो वेरिएबल है विद पावर सेम है. लास्ट पार्ट है आपके इसी क्वेश्चन का, लाइक टर्म्स ही बतानी है आपने. लाइक टर्म्स कौन कौन सी टर्म्स लाइक है? ना देखो यहाँ एक्स वाई जेड है, बाकी सब में स्क्वायर है, तो ये टर्म तो हो ही नहीं सकती इनके साथ. अब देखो एक्स जेड स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये दोनों लाइक हो गई. जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये भी लाइक हो गई. अब आगे क्या है, वाई स्क्वायर नहीं है या किसी में, एक्स स्क्वायर भी नहीं है, तो दीज थ्री टर्म्स आर लाइक. कौन कौन सी है? एक्स जेड स्क्वायर वाई, देन एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एक्स वाई. दैट्स योर आंसर. ट्राई टू डू लेफ्ट पार्ट योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.